पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार द्वारा गोरखपुर जोन में बीट पुलिस ऑफिसर की शुरुआत करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया था। बीट पुलिस ऑफिसर के रूप में सिपाहियों द्वारा अपने अपने बीट क्षेत्र में अवैध शराब, चोरी की बाइक, लकड़ी चोरी और चोरी का खुलासा करने के लिए, साथ ही अपने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए जुलाई माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने अपने कार्यालय में 11 जनपदों से चुने गए सर्वोत्तम बीट पुलिस अधिकारियों के साथ चाय पर चर्चा करने के साथ उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बीट पुलिस ऑफिसर के साथ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने कहा, कहना चाहते कि आपको बेसिकली उस सोच को हिट करना, ठीक है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जज्बा है और उसी क्रम में सबसे ये सारी चीजें मैं करने में आपको ये ध्यान रखना है कि पब्लिक से और जनता से जिसका कनेक्ट अच्छा रहेगा वो तभी आपका अच्छा रहेगा जब हमारी नीयत साफ होगी। मैं सीधा मानता हूँ कि 80% ये नीयत का, जिस दिन हमारी नीयत खराब हो जाती है उनका सीधा करने लगता है कि आपके पास हो गए, आपके पास कितने हैं गांव, कितने गांव, 5 गांव, आपके पास ज़्यादा है 15,000 है, तो आप धीरे 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 ये कोशिश करना है कि हम इस पर्टिकुलर उसमें नहीं आता, दुख सुख का साथ दी, शादी ब्याह में आपको बुला है, उसकी शॉप पूजा उसके यहाँ पर आप जाइए, आप एक घर का आदमी समझे, ये प्रयास बहुत हमने वो समय तक हम इस चीज़ को और इसका इम्पैक्ट यूपी पुलिस का पेट हो, जो इमेज चेंज होगी वो इसी से होगी, उसमें आप लोगों का रोल इम्पोर्टेंट, मेहनत का काम है, आसान काम नहीं है, बट ये संभव है। प्रार्थना पत्र का जांच, जनरल जनरल इंटरेक्शन, जो भी सत्यापन करना है वो कर ले रहे हो, उन्होंने बोला भेज जिसने प्रार्थना पता है यार सरकार जी और भी लोग जब आता है तो उधर सच्ची भाई को और उनका जो पानी है शुरू पर हिसाब इसको भी दे दिया चाहिए, नहीं मिल रहा ऐसे कोई सुझाव हो जो आपको लगता है कि नहीं 151 सर से कम से कम इसी पर का मतलब हम लोग की तरफ से बोलने लगेगा तो नहीं होगा। आप एक बार हमारे साथ में एक सौ क्या हमें तीन लोग अधिकार है सर दरोगा जी काट दिया है, लेकिन चलानी रिपोर्ट नहीं है, ऐसा तो क्या है चलानी रिपोर्ट में शुरू कर दिया 151 सीआरपीसी ने प्रोड्यूस करी, इसके साथ ये लिखा है वो दबिशों में ध्यान देगा, वो दबिशों में ध्यान देगा जो फर्दर कार्रवाई और इनके अधिकार भी बढ़ेंगे जब ये पकड़ के ला ही रहे हैं तो मौके से तो आपके सामने घटना में इनका विवेक हुआ कि हाँ इसको क्या होना चाहिए। शास्त्र 11 के अंतर्गत एवं भारी मात्रा में शादी और नेपाल के खिलाफ की बाराबंदी की है, इसके अलावा जनता से संपर्क 107 की कार्रवाई भारी मात्रा में की है। युवा अधिनियम के अंतर्गत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैसे बरामद किए गए भारी मात्रा में और एवं NDPS के अंतर्गत भी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, नशीली पदार्थों के साथ नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा 107 के अंतर्गत भारी मात्रा में चालानी रिपोर्ट टेस्ट की गई है। इन्होंने युवा अधिनियम के अंतर्गत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उत्तरांचल ने जुलाई में 90 लीटर अवैध शराब की बरामदगी एवं 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में और आर्मसेफ के अंतर्गत 2 चाकू वार बरामद किया। इसके 387/411 के अंतर्गत काफ़ी संख्या में अवैध लकड़ी बरामद की है ट्रैक्टर ट्राली से एवं 107/16 के अंतर्गत भारी मात्रा में चलाने रिपोर्ट पेश की है।
2016 में 24 सब अपना बीच में सही आएगा को किया। देखिए आज पूरे जोन के जो समस्त ज़िले हैं 11 जनपदों में से जो बेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं हमारे बेस्ट बीट पुलिस ऑफिसर हैं उनको बुलाया गया था और उनसे वार्ता की गई थी। हमारे यहाँ प्रक्रिया है जो प्रत्येक माह समस्त थानों पर जो सबसे सर्वोत्तम बीट पुलिस ऑफिसर हैं उनको चयनित किया जाता है और उन सर्वोत्तम बीट पुलिस ऑफिसर से जनपद स्तर पर एक बेस्ट बीट पुलिस ऑफिसर का चयनित होता है। तो ये लोग सभी लोग अपने अपने जनपदों में पिछले माह में बेस्ट बीट पुलिस ऑफिसर के रूप में चयनित हुए थे। उन्हीं के साथ हम लोगों ने यहाँ पर उनको हमने प्रशस्ति पत्र दिया, अच्छे काम करने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया है, उनसे विचार विमर्श किया गया है कि बीट पुलिसिंग को कैसे अच्छा बनाया जाए। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए बीट पुलिस अफसर एक कारगर माध्यम साबित हो, जनता की शिकायतें गांव स्तर पे त्वरित ढंग से एड्रेस की जाए, उनका निस्तारण हो और जनता का गांव का मित्र बनकर वो रहे। इस दिशा में ये पहल है, हम लोग की काफ़ी एडवांस स्टेज में चल गई है, काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है, समस्त थानों पर इसकी विभिन्न स्तरों से कार्रवाई की जा रही है और उसी को अग्रिम आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम भी आज किया गया था, समीक्षा की गई थी, इंटरेक्शन किया गया था।